أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم برادران إيماني آج 23वीं شب قدر ہے اور اس اعتبار سے یہ ایک ایسی فرصت عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتی ہے. پروردگار اس شب کو آپ حضرات کے لیے ہر اعتبار سے مبارک قرار دے. یہ شب شب عبادت ہے, شب دعا ہے, شب تلاوت ہے, یہ شب شب مغفرت ہے, شب رحمت ہے, شب قدر ہے. اور اگر میرے گزشتہ معروضات آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں تو یہ بات ایسی ہے کہ میں خود جب سوچتا ہوں تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کا کرم دیکھیں. وہ مالک ہے, خالق ہے, حاکم ہے, وہ جو جی چاہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور ہمارے لیے مجال نہیں ہے کہ ہم کوئی حرف شکایت زبان پر لائیں. اگر وہ مثال آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ایک کمہار مٹی سے برتن بناتا ہے, مٹی سے کھلونے بناتا ہے, مٹی سے گلدان بناتا ہے, مختلف چیزیں بناتا ہے, مٹی جس کی کوئی ارزش, کوئی قدر, کوئی قیمت نہیں ہوتی, جب وہ کچھ بنا دیتا ہے تو پھر وہ قدر و قیمت پیدا کر لیتی ہے. لوگ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں, زینت کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں. اب یہ چیزیں, ان میں سے کسی کو حق ہے کہ کمہار سے کہے کہ تم نے ہمیں برتن کیوں بنایا, تم نے ہمیں گلدان کیوں بنایا, تم نے ہمیں حیوان کیوں بنایا؟ سبحان اللہ, مقام شکر تو ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے, ٹھوکروں میں تھے, اس قابل بنا دیا کہ لوگ سجا رہے ہیں. مقام شکر تو ہے مگر مقام شکایت نہیں ہے. یہی مثال آپ اپنے اوپر تصور فرمائیں. آپ کیا تھے, ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. اس کے بعد بھی اس کا شکر ہماری زبان پہ نہیں آتا ہے, شکوے آتے ہیں. یہ مقام عبرت ہے
शुक्र कीजिए कि उसने इंसान बनाया, खाक से इंसान बना दिया। कुछ नहीं थे हम और हमें सब कुछ बना दिया। इंसान बना दिया यानी सब कुछ बना दिया। और फिर उसके बाद भी जो अहकाम वो चाहे सादिर फरमा सकता है, लेकिन ये किस कदर लुत्फ है, लुत्फ बालाए लुत्फ, लुत्फ बालाए लुत्फ, लुत्फ बालाए लुत्फ। वो ऐलान करता है, देखो आज की शब हम तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं, तुम क्या बनना चाहते हो खुद बता दो। तवज्जो, क्या करम है वाकई, जैसी उसकी जात लामुतनाही है, उसका करम लामुतनाही है, उसकी रहमत लामुतनाही है। वो मालिक हकीकी हमसे पूछा है, भाई बताओ आज की रात सोना नहीं जागना, बताना तुम क्या बनना चाहते हो। और हमारा इससे बढ़ के क्या हो सकता है, लुत्फ करम। तो आज शब कद्र है, आज आप जो बनना चाहते हैं वो बता दीजिए अपने रब से, इसलिए कि वो कादिर है, वो कुदरत भी रखता है, जो आप बनना चाहेंगे वो बना देगा। मगर ये याद रखिए कि आप अपने तौर पर जो भी बनना चाहेंगे, जो भी तसव्वुर अपने तौर पर कायम करेंगे, वो तसव्वुर बहरहाल नाकिस होगा। हम क्या कहें अल्लाह से कि हम क्या बनना चाहते हैं। ये मांगना भी हमें जिसने सिखाया, ज़ाते अली अज़ीम से क्या मांगें, ये हमें बताया अली हकीम ने। इसलिए शब कद्र में भी उनके तज़किरे से हम बेनियाज नहीं हो सकते हैं। जहाँ तवील दुआएं हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वहाँ पर दुआए कुमैल है और दुआए मशलूल है और बहुत सी तवील दुआएं हैं, दुआए जोशन कबीर है। वहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की एक मुख्तसर सी मुनाजात है, बहुत मुख्तसर। इलाही कफा बी इज्जन अन अकून लक अब्दा वकफा बी फख्रन अन तकून ली रब्बा انت كما احب فاجعلني كما تحب। पूरी मुनाजात हो गई। परवरदिगार मेरे लिए ये इज्जत काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। माबूद मेरे लिए ये फख्र काफी है कि तू मेरा रब है। परवरदिगार तुझको मैंने वैसा रब पाया जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना ले जैसा तू चाहता। हम क्या बताएंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं, जैसा तू बना सकता है बना दे। देखिए ना, अब ये अगर अदबी ज़ौक के हवाले से आप समझना चाहें तो मैं कहूँगा बात ज़रा लतीफ़ सी है, लेकिन मैं कहूँगा किसी आर्टिस्ट को आप चैलेंज कर दें, तुम जो बनाना चाहते हो बना के दिखाओ, हम अपनी मर्ज़ी कोई बताना नहीं चाहते। बजाय इसके कि आप अपने हदूद अरबा को महदूद करें, आप अपने कद को खुद मुअय्यन करें, आप अपने आप को उसके सुपुर्द करें। परवरदिगार हम वो बनना चाहते हैं जो तू बनाना चाहता है, और वो हमेशा आपको बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। इसलिए आज की रात बहुत कीमती है। अपनी तरफ से बंदे जो कोशिश कर सकते हैं वो ये कि अपने दिल को अनवार इलाहिया के लिए साफ करें। हजरत इमाम जाफर सादिक का इरशाद गिरामी है कि ये दिल अल्लाह का घर है, उसके घर में किसी दूसरे को मत बसाओ। ये गलती ना करना कि घर उसका है और किसी और को तुमने बसा दिया। इस दिल को साफ करें, और साफ करने का पहला मरहला ये है, जहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ ये जो आपस की रंजिशें हैं ना,
रिश्तेदारों में, दोस्तों में, या हत्ता के दुश्मनों में। कोशिश कीजिए कि आज आप सबको माफ़ कर दें। तवज्जो है, आप सबको माफ़ कर दें, और उसके बाद दस्ते दुआ बुलंद करें, परवरदिगार मैंने सबको माफ़ कर दिया, तू मुझे माफ़ कर दे। तवज्जो है, परवरदिगार मेरे दिल में जिस जिस का रंज था, गुस्सा था, कुदूरत थी, कीना था, हसद था, रश्क था, दूसरों से मुझे रंज पर, मैंने सब भुला दिया, चाहे वो अहम हो या गैर अहम। माबूद, अच्छा जब खुदा से कहें तो ये सोच के कहें कि जो दिल में हो वही कहें। ये एक जुमला कहने के लिए बड़ी रियाजत दरकार है, ये यूं ही कह के गुजर जाने वाली बात नहीं है, किसी हमा शुमा के सामने तो नहीं कह रहे हैं ना, उससे कह रहे हैं कि जो दिलों के भेद जानता है, जिससे दिलों का भेद छुपा हुआ नहीं है, उससे कहना है। तो उसके सामने कहने से पहले जो कहना है उस बात को सच कर दिखाएं। ये एक रियाजत है, एक रियाजत है वाकई, ये तज़किए नफ्स का मरहला। आप सबको माफ़ कर दें, बीवी, बच्चे, भाई, बहन, माँ बाप, अजीज़, अकरबा, सबको माफ़ कर दें, और फिर मुमकिन हो तो शर्माएं नहीं, खुद उनसे भी माफ़ी तलब कर लें। पहले खुद माफ़ कीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए, उसके बाद कहिए बीवी से कि तुम्हें अगर ज़िंदगी में कोई बात मेरी बुरी लगी हो मुझे माफ़ कर दो। बच्चों से कहिए मुझे माफ़ कर देना बेटा। माँ बाप से कहिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाइयों से, जिस जिस से भी रिश्ता है, नाता, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है, दस्तरसी हो सकती है, आप पहले मुआफ़ कर दें, फिर उनसे मुआफ़ी तलब करें, और उसके बाद रब की बारगाह में बैठें कि परवरदिगार मैंने मुआफ़ भी कर दिया, मैंने मुआफ़ी मांग भी ली, अब तू मुझे मुआफ़ फरमा दे। तवज्जो है, छोटा सा अमल है, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अमल है, कोई छोटा अमल नहीं। मगर करके देखिए, इसे देखिए दिल में कैसा नूर पैदा होगा, देखिए कैसा मिजाज में कैसी शीरीनी पैदा होगी, जहन में कैसी नूरानियत पैदा होगी, ज़मीर जिंदा हो जाएगा। इहया लैल का मतलब ये नहीं है कि चराग रोशन करके रात की तारीकी दूर की जाए, इहया यानी जिंदा करना। किसे जिंदा करेंगे, किसे जिंदा करना है, दिल जिंदा करना है, अपने आप को जिंदा करना है, अपने अंदर रोशनी पैदा करनी है। अगर याद हो वो बहसें कि एक शब रोज़ हमारे वजूद के बाहर होता है, एक शब रोज़ हमारे वजूद के अंदर होता है, एक सुबह वो होती है जो बाहर होती है, एक सुबह वो होती है जो हमारे अंदर होती है, एक रात वह है जो बाहर होती है, एक रात वह है जो हमारे अंदर होती है। अंदर आज अगर सुबह पैदा हो जाए, एहयाए शब का मतलब है कि आप तारीकी पर फतह पा जाएं और अंदर हश्र बरपा हो जाए। क्या समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ, हश्र बरपा हो जाए। हश्र के बाद रात नहीं है, नूर ही नूर है। अंदर सुबह महशर बरपा करके देखिए, अंदर सुबह महशर पैदा करके देखिए, इसके बाद तारीकी आपके दिल पे गलबा ना करने पाए। और इस सब की कलीद हक सुबहानहु व तआला की ताईद से दो जुमलों में जो सिमट के आती है वो है इल्म, और इल्म के मुताबिक अमल करना मोहब्बत के साथ। इल्म और
इल्म के साथ, इल्म की रोशनी में अमल करना मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ यानी कराहत के साथ नहीं, कराहत के साथ नहीं, कुल्फत के साथ नहीं, तकल्लुफ के साथ नहीं, तकश्शुफ के साथ नहीं, गराबारी महसूस करते हुए नहीं, सरगरानी के साथ नहीं, दिल की संगीनी के साथ नहीं, लताफत कल्ब के साथ, इकबाल कल्ब के साथ, दिल की चाहत के साथ, चाहत के साथ। इताअत का नाम ही ईमान है, चाहत के साथ इताअत का नाम ही तशय्यु है, चाहत के साथ इताअत का नाम ही शिअयत है। अल्लाह का शिया बन के देखिए, देखिए शियातुल्लाह बनिए, शियातु रसूलिल्लाह, शियातु अली इब्न अबी तालिब। यहाँ पर सिलसिले को चंद मिनट आगे बढ़ाते हुए, चूँकि बहरहाल मुसलसल में सूरह अनकबूत की चंद आयतें तिलावत कर रहा हूँ और बीच में दो तीन शबें मजलिस के तकाजे थे, इसलिए बराह रास आयत पर गुफ्तगू नहीं हो सकी। लेकिन आज मैं इस ताल्लुक से एक आयत और आगे बढ़ता हूँ सूरह मुबारक अनकबूत की। हम सब आजमाइश और इम्तहान में हैं। सबसे बड़ी आजमाइश और इम्तहान क्या है, कामयाबी क्या है इंसान की, कि वाकयान इस ज़िंदगी को आफियत के साथ बसर कर लें। छोटा सा जुमला, आफियत के साथ, अमन के साथ, अमन का माहौल बरकरार रहे, आफियत का माहौल। आफियत कोश कौन नहीं होता। आफियत पे याद आ गई ये रिवायत, बेसाख्ता तो आप तक पहुंचा दूं। कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें हक सुबहानहु व तआला ने एक हुक्म नाजिल फरमाया था, और वो हुक्म एक ज़ात के अलावा किसी दूसरे ने उस हुक्म पे अमल नहीं किया सिवाय ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और किसी को तौफीक अमल नसीब नहीं हुई। और ये एक ऐसी फजीलत है जिस पर इस कायनात का हर मुसलमान मुत्तफिक है, नासिबी, खारिजी, दुश्मन अली, दोस्तान अली, सब मुत्तफिक हैं कि हाँ ये फजीलत वो है। ये उन फजीलतों में से एक फजीलत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। और वो ये है कि आयत अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नाजिल फरमाई, उस आयत को कहते हैं आयत नजवा, कि रसूल आप ऐलान कर दीजिए कि अब आपसे जो भी आकर गुफ्तगू करना चाहे, तन्हाई में मुलाकात करना चाहे, सवाल करना चाहे, मुनाजात करना चाहे, नजवा करना चाहे, आपसे मशवरा करना चाहे, पहले सदका दे और फिर आए। सादा सा हुक्म है और इतलाक़ है इस हुक्म में। इतलाक़ के मानी ये हैं कि कोई कैद, कोई शर्त, कोई हदबंदी नहीं है कि मसलन एक किलो सोना दे के आइए, एक मन चांदी दे के आइए, या एक मन खजूर ही दे के आइए। नहीं, एक दाना खुरमा भी बना में सदका, बनीयत सदका, ब इरादे इताअत हक दे दीजिए, काफ़ी है। बिसात भर बैनकुम व बैन अल्लाह, आप और आपके खुदा के दरमियान आपकी जो भी बिसात है, बिसात से कम भी देंगे तब भी आयत जो है वो, चूंकि कोई उसने हद मुअय्यन नहीं की है, काहे जो भी मुनाजात करना चाहे वो सदका दे और आ जाए। कैसे कैसे आशिकान रसूल थे, कैसे कैसे सरमायादार थे, कैसे कैसे गनी थे, कैसे कैसे अग्निया थे, मगर जनाब वाला एक दाना खजूर का भी सदका देने की तौफीक किसी को नसीब ना हुई। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक दीनार था। एक दीनार उस जमाने में जब उसका
खुर्दा किया जाता था, यानी उसे बुनाया जाता था, चेंज किया जाता था, तो 10 दिरहम मिलते थे। आप पहले तशरीफ़ ले गए और उस दीनार को दिरहम में बदला। देखिए तो अली बखील नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह। अली एक दीनार पहले ही दे सकते थे, मगर इसे कहते हैं लज्जत मुनाजात। लज्जत मुनाजात, पहले दीनार को दिरहम में बदला, एक दिरहम सदका दिया, और उसके बाद हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह ये बताइए अल्लाह से क्या मांगे। तवज्जो रखिएगा, आज शब-ए-क़द्र है, आप सब दुआ मांगेंगे, दुआ के लिए जमा हो रहे हैं, अल्लाह से क्या तलब करें। सवाल करने वाला कौन है, किससे सवाल है, कैसे माहौल में सवाल है, जवाब देने वाला कौन है, तवज्जो है। रसूलुल्लाह से सवाल कर रहे हैं, नफ्स ए रसूल अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन, या रसूल अल्लाह अल्लाह से क्या मांगे। दस्त खुदा कह रहा है, खुदा से क्या मांगे। लिसान हक लिसान अल्लाह पूछ रहा है कि अल्लाह से क्या मांगे। हैं, अच्छा यहाँ पे इस लफ्ज़ की अहमियत समझिए। ये जो दुआ सजदे में भी बताई गई है कि दुआ आफियत के लिए करो। हुजूर से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा अल्लाह से जब दुआ करें तो क्या तलब करें, हुजूर ने कहा आफियत। आफियत तलब करो, आफियत। अल्लाहुम्मा या वली अल आफिया नसअलुक अल आफिया आफियत अद्दीन वद दुनिया वल आखिरत। ये आप सजदे में दुआ करते हैं, ये आफियत की दुआ मामूली दुआ नहीं है। दुनिया की आफियत, दीन की आफियत, आखिरत की आफियत, आफियत तलब करने की तालीम खुसूसी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। याद रहेगी ना ये बात, बार फरामोश ना कीजिएगा, भुलाइएगा नहीं। इसीलिए मैंने पूरे पस मंज़र अर्ज़ किया आपके सामने के आफियत, इंसान का कमाल यह है कि ऐसी ज़िंदगी बसर करके गुजर जाए कि जो पुर आफियत ज़िंदगी हो, बाआफियत ज़िंदगी हो, बाआफियत ज़िंदगी हो, अपने लिए भी गैरों के लिए भी आफियत, अमन के साथ गुजारते ज़िंदगी। लेकिन ये अमन के साथ ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल होता है, मैं उसकी तरफ इशारा करूँ। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ी आजमाइश है। ये सूरा जो इम्तिहानात और आजमाइशों के पूरे निज़ाम से तआरुज़ करता है, मुझे अफसोस रह गया और रह जाएगा कि जिस तरह मैं चाहता था कि ख़ुद इस सूरह मुबारका की तफसीर बयान कर सकूं, नहीं कर सका, और ये चंद रोज़ भी गुजर जाएंगे और बयान नहीं हो सकेगा। जितने बड़े बड़े इम्तिहान हैं सब का हवाला इस सूरह में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम इस सूरह में उसका इम्तिहान का तज़किरा, जनाब नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम इसमें मौजूद है। लेकिन कुल्लियात भी मौजूद हैं, जुज़िया बाज़ जुज़ियात हैं और कुल्लियात इस बहस के मौजूद हैं। यहाँ तक तो गुफ्तगू पहुँच गई थी, तकरीबन आयत 8वीं आयत तक पहुँच गई थी, जहाँ वालिदैन का तज़किरा था, और उसके बाद ये था कि वालिदैन अगर हक़ सुभानहू व तआला से रुगर्दा करना चाहें, शिर्क की दावत दें, तो उनकी दावत कबूल ना करें। उसके बाद इरशाद इलाही है, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ। और जो लोग ईमान लाने वाले हैं और अमल सालिह बजा लाने वाले हैं, उन्हें हम ज़रूर बेज़रूर यकीनन सालिहीन में दाखिल करेंगे। इसके मानिए कि सालिहीन कुछ और हैं, इंसान जो ईमान और अमल सालेह की दौलत लेके जाएगा तो उसे सालेहीन में शामिल कर दिया जाएगा, सालेहीन में दाखिल कर दिया जाएगा। मिनस सालेहीन होना और मर्तबा है, फिस सालेहीन होना और मर्तबा है। ये सब नज़ाकतें कुरान मजीद की हैं।
کہیں قرآن مجید میں صالحین کا تذکرہ ہے اور کہیں قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے کہ ہم صالحین میں تمہیں شامل کر دیں گے, یعنی اسباب لطف اسباب کرم ہم تمہیں شامل کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, جب انہیں اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو وہ اس اذیت کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو. اس تشبیہ میں بہت سی گہرائیاں ہیں. اللہ کے عذاب میں دوام ہے, جو خالدین فی النار ہیں, جو ہمیشہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے, خالدین فی النار. یہاں کوئی کسی پر ایسی کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. اور شدت کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے, عذاب الہی, عتاب الہی, عقاب الہی, پاداش الہی, انسانوں کی ایک دوسرے سے جو آزمائش ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بہرحال یہ آیت بھی اجمالاً اس پہ گفتگو ہو چکی تھی, اور اس آیت کے ذیل میں ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی. آج جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو مبتلا بے ہے, تھوڑا سا اس وقت انفرادی سطح پہ بھی انسان کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے, اور اجتماعی سطح پہ بھی, انٹرنیشنل سطح پر بھی, سیاسی اور اقتصادی اور اخلاقی ہر جہت سے یہ مبتلا بہ مسئلہ ہے, کبھی شعوری طور پر کبھی غیر شعوری طور پر. ارشاد الہی اس آیت میں, وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انہم لکاذبون. جو کافر ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منکر ہیں, جو بے دین ہیں, بے ایمان ہیں, وہ دعوت دیتے ہیں دوسروں کو کہ جیسا ہم کر رہے ہیں وہ کرو, جو ہم کہیں وہ کرو, اور فکر نہ کرو تمہارے عمل کی ذمہ داری ہم پر ہے, ہم بوجھ اٹھائیں گے تمہارا. توجہ رہے, صاف صاف یہ آیت میں موجود ہے, اور یہ ہوتا ہے دنیا میں. ذرا سا توجہ دیں عملی سطح پر, شرم آتی ہے مثال دیتے ہوئے, لیکن یہ جو جرائم کا بازار ہے اس وقت, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہے, وہ کسی شخص کو گویا ہائر کر لیا جاتا ہے, تمہیں ہماری طرف سے یہ کام کرنا ہے, وہ فکر نہ کرو باقی سب ذمہ ہمارا ہے, یہ فکر نہ کرو باقی سب ذمہ ہمارا, یہ نہ دنیا میں کام آتا ہے یہ حرف, نہ آخرت میں کام آنے والا ہے. سبحان اللہ. کسی کا ذمہ کوئی نہیں لے سکتا, کسی کا عمل کسی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وقت نہیں ہے, میں نے خود اپنے وقت کو محدود کر رکھا ہے, اور یہ دقیق اور پیچیدہ اور فلسفیانہ بحثیں سننے کے آپ حضرات ویسے تو عادی نہیں ہیں, لیکن مجھے تو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اب, اس لیے میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر فلسفیانہ اعتبار سے, اگر حکیمانہ اعتبار سے, اگر علم النفس کی حقیقت کی روشنی میں آپ دیکھیں, عمل ایک زندہ حقیقت ہوتا ہے, عمل ایک زندہ حقیقت ہے, اور عمل کبھی بھی اپنے عامل سے جدا نہیں ہو سکتا. عامل میں ہوں, عمل میرا مجھ سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے. اور جسے شخصیت کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے شخص, ایک ہوتی ہے شخصیت. ایک شخص ہوتا ہے, ایک شخصیت ہوتی ہے. شخص عبارت ہے جسم سے, شخصیت صرف عمل سے عبارت ہوتی ہے.
आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप किसी से नफ़रत करते हैं, आप किसी से दोस्ती करते हैं, आप किसी से दुश्मनी करते हैं, मोहब्बत में आपका अंदाज़ क्या होता है, दुश्मनी में आप किस हद तक गिर जाते हैं, आप किसी से इख्तिलाफ़ राय करते हैं, उस इख्तिलाफ़ राय में आपका आलम क्या होता है, दहन कैसा बिगड़ता है या बनता है, ये तमाम आपकी मुस्कुराहटें, आपका गैज़ व ग़ज़ब, आपके उठने बैठने का अंदाज़, ये सब क्या है? अमल। मुस्कुराहट अमल है, गिरिया अमल है, उठना बैठना अमल है, खाना पीना अमल है, मुआमलात जो कुछ अमल है। अव्वलन ये एक जिंदा हकीकत है, मुर्दा हकीकत नहीं है। सानियन ये बाकी रहने वाली है, फना होने वाली नहीं है। सालेतन ये आपकी यानी आमिल की जात से जुदा कभी नहीं हो सकता। आमिल में और उसके अमल में रिश्ता ऐसा है जिसमें दुई वाकई नहीं हो सकती। और हमारा आपने मुमकिन नहीं है कि अलग हो जाए। और जब यह साबित है कि अमल आमिल से जुदा नहीं हो सकता, तो किसी दूसरे के अमल की जिम्मेदारी कोई और ले कैसे सकता है? कोई फिरौन हो, कोई शद्दाद हो, कोई हामान हो, कोई नमरूद हो, कोई यजीद हो, कोई सद्दाम हो, कोई किसी दूसरे के अमल की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता, ना इस दुनिया में ना आखिरत में, और बतौर खास दार आखिरत में। ये बहुत तफसीली बहस है, यानी बहस में तफसीली इसलिए कहता हूँ कि इसमें हकीमाना फर्में भी बहुत हैं और तकबीक देकर अगर मिसालें पेश की जाएँ ज़िंदगी की तो भी बहुत तफसीली बहस है, बहुत जिसे कहते हैं दामनदार, यानी दामन बहस बहुत वसी है। कुरान मजीद में एक से जायद मकामात पर आया है ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्रा उख़रा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाने वाला है। विज़्र कहते हैं बोझ को, विज़्र कहते हैं बोझ को, कोई किसी के अमल का बोझ उठाने वाला नहीं है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, मगर ये कि जब आपस में नफ्स का रिश्ता हो, वहदत का रिश्ता हो, तब कोई किसी का वजीर बनता है। वजीर भी उसे कहते हैं जो किसी का बोझ उठाता है, और ये भी कुरान मजीद से साबित है। सूरह ताहा पढ़ लीजिए या सूरह अलम नशरह लका सदरका पढ़ लीजिए, वहाँ भी वजारत का जिक्र है, यहाँ भी वजारत का जिक्र है। वहाँ जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ फरमाई है कि परवरदिगार मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, और यहाँ बग़ैर दुआ अल्लाह सुबहानहु व तआला ने मुस्तफ़ा को मुजदा सुनाया है कि तुम बोझ क्यों महसूस करते हो, क्या हमने अली को तुम्हारा वजीर नहीं बनाया? परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। क्या हम इसे इस शब कद्र में अपने तमाम अजीज़ों के की लफ्जिशों से दरगुजर कर सकें, उन्हें दिल से मुआफ़ कर सकें, हम उन्हें खुशी अता कर सकें, हम उसे मुआफ़ी तलब कर सकें, उसके बाद हम अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब करें, अल्लाह से मग़फ़िरत हासिल करें, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से, और बतौर ख़ास 14 मासूमीन के वसीले, और उसमें दो बस मोहम्मद असल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद असल हैं। मगर ये याद रखिएगा कि शब कद्र का बातिन ज़ात गिरामी फ़ातिमा ज़हरा सूरह इन्ना अंज़लना की तफसीर गुज़िश्ता साल या उससे पेवस्ता साल में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र से, तुम समझते हो लैलतुल क़द्र से मुराद क्या है? लैलतुल क़द्र से मुराद बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु, इसलिए बीबी का वास्ता देकर और इमाम असर अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का वास्ता देकर इन वसायल के ज़रिए से हक सुबहानहु व तआला की बारगाह में हाजिरी दें, उसकी तौहीद में रसूख पैदा करें और तलब मग़फ़िरत करें, अपना मुस्तक़बिल बनाएं, मुकद्दर संवारें, शब कद्र में मुकद्दर संवारें, मुस्तक़बिल संवारें,
इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक। परवरदिगार आपकी ज़िंदगियों को नूर तौहीद व विलायत से मुनव्वर फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।